केजीएफ मेकर्स कर रहे हैं आरआरआर के रिलीज होने का इंतजार। क्या प्रशांत नील अपनी फिल्म को छोड़कर आरआरआर को कर रहे हैं सपोर्ट? क्यों यश के फैंस कर रहे हैं राजमौली को ब्लेम? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साल की मोस्ट हाइप्ड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। ऑडियंस इस साल के लिए 2 साल से इंतजार कर रही है और साथ ही हम आपको फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। केजीएफ ने अपना एक अलग ही फैन बेस बनाया जिसका नाम है केजीएफ फैन आर्मी। और किसी भी फिल्म या एक्टर्स के फैंस का कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन केजीएफ का पावर कुछ अलग ही है। अब इसलिए जैसे वर्ल्ड की बेस्ट बॉय बैंड बीटीएस के फैंस को आर्मी के नाम से जाना जाता है और वो बड़े प्राउड से बोलते भी हैं कि वो बीटीएस आर्मी है, वैसे ही केजीएफ के फैंस भी केजीएफ फैन आर्मी है। और यश की आर्मी पिछले 2 सालों से फिल्म का रिलीज का इंतजार कर रही है और अगले साल टीजर रिलीज के बाद तो उनकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। लेकिन अब जब रिलीज डेट इतनी पास है लेकिन फिर भी फिल्म का प्रमोशनल इवेंट शुरू नहीं हुआ तो फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं। और अब ये खबर ये भी है कि फिल्म मेकर्स आरआरआर के रिलीज होने के बाद ही फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट करने वाले हैं। आरआरआर 25 मार्च को रिलीज होगी और उसके बाद 27 मार्च को केजीएफ 2 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, फिर प्रमोशंस शुरू होंगे। पता नहीं प्रशांत नील कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रहे, लेकिन फैंस का ये मानना है कि वो राजमौली की फिल्म आरआरआर को ज्यादा स्कोप दे रहे और उन्हें सपोर्ट कर रहे। अब इस पर कन्नड़ा फैंस का ये भी कहना है कि क्या राजमौली भी ऐसा ही करते अगर केजीएफ की जगह उनकी फिल्म होती जैसे प्रशांत कर रहे। अगर आपने ये बात नोटिस की होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि राजमौली ने भी प्रभास की राधे श्याम की रिलीज का वेट किया और उसके बाद प्रमोशन इवेंट्स शुरू किए थे। अब ऐसा ही यश की केजीएफ के साथ हो रहा है, लेकिन फैंस इसके लिए राजमौली को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अब तो ऐसा ही लगता है कि फिल्म का प्रमोशन ट्रेलर रिलीज के बाद ही शुरू किया जाएगा और फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा। केजीएफ फैन आर्मी प्रमोशन का वेट कर लिए हैं और ताकि वो अपने चहेते स्टार्स को देख पाए और उनसे फिल्म के बारे में कुछ बातें सुन पाए। अब इसके अलावा उनका कोई और इरादा नहीं, वो सिर्फ अपने फेवरेट रॉकिंग स्टार से ऐसे इवेंट्स में मिलना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या केजीएफ 2 का प्रमोशन कैसे होता है। हो सकता है कि भले ही प्रमोशन देर से हो लेकिन इतना दमदार हो कि फैंस अपनी सारी शिकायतें भूल जाए। क्या आप भी केजीएफ फैन आर्मी का पार्ट है? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।